लामा वो होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल्स हैं, उनको मानते हैं, उनके आगे सरेंडर करते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, फेरा क्या है? फेरा वो होता है जब एक हीलर जो लामा है, ऑलरेडी वो लामा होता है, वो ही हीलर हीलिंग कर सकता है लामा फेरा की। तो वो जो जब हीलर अपने पेशेंट के चारों तरफ घूमता है, उसको फेरा कहते हैं। और वो 2.5 राउंड्स लिया जाता है उसके आगे चारों तरफ। अब ये फेरा की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे आया। देखिए, मैंने कहा ना, हर चीज का कोई ना कोई पर्पस है। जो भी चीज हमारे सामने आती है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो आप लोग सब जानना चाहते हैं कि ये सब कहाँ से हाँ आया है। भावना जी, हाँ प्लीज अपना वो कीजिए। ओके, कहाँ थे हम? सॉरी। तो फेरा जो शब्द है उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लेडी थी, दो तीन नामों से जाना जाता है उनको, चारिका। ठीक है, वो एक बहुत बड़े सेठ की बेटी थी, सॉरी वाइफ थी, बच्चा था उनको। कुछ हुआ उनकी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि वो जो उनका हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई, बेटे की भी डेथ हो गई, पूरा जो उनका पैसा था सब चला गया। एंड शी वाज लाइक ऑन रोड, एक तरह से बहुत बुरी हालत में थी। दर दर भटक रही थी अपने बच्चे को लेकर, अपने पति को लेकर, कि इनको जिंदा कर दो, इनके बिना मेरी जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि वहां पर एक बाबा है, वो ठीक कर देते हैं, वो हीलिंग्स करते हैं, तो देखो वहां जाकर। तो वो आई उनके सामने, लॉर्ड बुद्धा के सामने, और बस बोला कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, नहीं तो मैं कैसे जीऊंगी। बहुत विनती करती रही, कई दिनों तक भगवान बुद्ध के आगे वो बैठी रही कि मुझे आप कैसे भी करके मेरे पति को वापस ला दीजिए। लॉर्ड बुद्धा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देख लीजिए इसको भी, कैसे आप कर सकते हैं, कुछ तो कीजिए। तो बुद्धा ने कहा कि एक काम करो, किसी भी ऐसे घर का मुझे चावल लाके दो जहां पर कभी कोई डेथ ना हुई, किसी की मृत्यु ना हुई। तो बड़ी खुश हो गई कि चलो मैं ऐसे घर से लेकर आती हूँ तो मुझे, मेरे बच्चे को और मेरे पति को ये जिंदा कर देंगे। वो गई, दर दर भटकी कई सालों तक, हर घर में गई जहां तक उसकी पहुंच थी, कई गांव में भटकी। अल्टीमेटली वो आके लॉर्ड बुद्धा के आगे गिर गई कि मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी की कोई मृत्यु ना हुई, और बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हुई, अब क्या होता है, देखिए जब हीलिंग्स होती हैं और इस टाइप की चीजें होती हैं तो एनर्जीज जब होती हैं तो मेल और फीमेल एनर्जीज आप लोगों को तो मैक्सिमम सब लोग जानते हैं, समझते हैं। तो जहां पर मेल प्रधानता होती है ना, लॉर्ड बुद्ध, उनके 5 डिसाइपल्स, वो सब मेल, तो फीमेल का इस तरह से उनके वहां पर आना किसी को अच्छा नहीं लगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, अपने डिसाइपल्स को बोला कि इनको यहाँ लिटा दो। और भगवान बुद्ध ने अपने गले की माला निकाली, उस लेडी के चारों तरफ उन्होंने 2.5 फेरा लिया और उस माला को उसके हार्ट के ऊपर रख दिया। उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि भगवान आपने ये क्या किया, आप इसको मोक्ष दे सकते थे, आपने उसको 2.5 फेरा लेके उसके हार्ट के ऊपर क्यों रखा ये माला, ये तो आप कभी गले से उतारते ही नहीं हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी इसकी जिंदगी है, इसको मोक्ष में नहीं दे सकता हूं, जबकि इसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि इसका पर्पस क्या है लाइफ का, कि मृत्यु जिसकी हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकता, उसको ये नॉलेज आ गई है, उसको अपने दुख को खत्म करने का तरीका भी मिल गया है,
उसको समझ आ गया है, क्योंकि वो डिसाइपल बनना चाहती है, वो यही रहना चाहती है। तो उसकी जो अवेकनिंग थी, उन्होंने उसके हार्ट के ऊपर अपनी माला रखकर करी, ताकि उसको सारी नॉलेज जो अभी तक वो इस आवरण के अंदर रहकर समझ नहीं पा रही थी, वो उसको नॉलेज गेन हो गई, वो उसको नॉलेज मिल गई। तब से वो एक फीमेल डिसाइपल, अगर आप लोग कभी स्टोरीज सुनेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो 5 मेल डिसाइपल्स और 1 फीमेल डिसाइपल्स का जिक्र आता है कई किताब। तो ये वही फीमेल डिसाइपल है जिसके ऊपर पहली बार उन्होंने 2.5 चक्र उसके आसपास लिया था और उसको अवेकन किया। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट दिस फेरास 2.5। क्लियर? तो यहां से लामा फेरा की शुरुआत होती है।